मैं आपकी तरफ कैमरा मार सकता हूँ? हाँ। अगर इश्यू है तो इट्स ओके। वैसे फेस नहीं दिखाता, नॉर्मली दिखा देता हूँ, हमारी लड़की है तो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार सब लोग ठीक होंगे। जो लोग न्यू है उनको वेलकम हो गया, और जो लोग मेरे साथ हैं उनको लव यू हो गया। सो यार, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे, और वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो आप सोच रहे हैं यार आज आपका भाई कपड़े छपड़े फुल, तो भाई आज कोई जल्दी नहीं है, आज फुल सुकून है, फुल चिल है, ठीक है। और ये एक हमारे अदद एक बीमारी है जो आके मुझे बता रहे हैं कि फोन बज रहे हैं, मुरीद। इसको भी रिवील करेंगे, बड़े दिनों से आए हुए। ये हसन साहब थे, बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन कहाँ थे इतने दिन से गुम? तुम अलादीन का चिराग बने हुए थे, अमावस की चुड़ैल बने हुए थे, किधर गुम थे? जल्दी बताओ दुनिया को। सुल्तान की याद में मैं बेहोश हुआ हुआ था। ओए होए, गाय के सुल्तान की याद में मुल्तान हुआ हुआ था। आप देख सकते हैं। सो यार फाइनली वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। बेसिकली गाइस, हसन साहब करने लग गए, अब काम शाम वाले बंदे हो गए, जॉब वॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन हो गए। हसन बड़े होकर बिजनेसमैन जब तुम अपने काम में अमर हो जाओगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं, बस अयाशी करेंगे यार। फिर भी अयाशी? कैसी अयाशी करोगे मुझे बताओ? लोगों की मोटरसाइकिल चोरी करोगे, जेबें काटोगे लोगों की, फिर क्या करोगे बताओ ना? जेब में पैसे आएंगे, मोबाइल लेने चला गया, बाइक लेने चला गया। हाय हाय, इतना सुकून। वाह, ख्वाब देखो, जैसा मुंह वैसे ख्वाब। खैर गाइस, तो फाइनली यार वेलकम हो गया सबका। भाई आज आपके भाई की ऑफ है फुल, आपके भाई ने आज कपड़े उपड़े चेंज किए, और यार आज जाना है आपके भाई ने जरा बाहर। यार मैं ना सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीच में स्टडी छोड़ दी थी, तो यार अब ऑब्वियसली मैं सोच रहा हूँ कि यार स्टडी वगैरह कम्प्लीट करें, तो आज एक दो यूनिवर्सिटीज में जाना है और कॉलेजेस में देखें कहीं एडमिशन मिलता है हमें। इंटेलिजेंट बॉय, तुम्हें पता है महा इंटेलिजेंट, तो बस जागते हैं कहीं ना कहीं, देखते हैं सीन बनाते हैं। अभी फिलहाल उठाऊँ, फ्रेश हुआ, अभी बाल बाल भी नहीं सेट किया, सोच रहा हूँ बस जल्दी से चलूँ, टाइम नहीं है, जो भी मिला पहनेंगे, टक करके बाहर निकल। जा रही है कैप? नहीं पहनी जा रही हसन, दो मिनट यार। चीक मारने वाली और ओ, अपने हुसन और जौबन का रोग इधर तो दिखा दें। ये है गाइस हमारे मुरीद अब्बास। अबे क्या जला दिया ये, मुझे नजर लगी थी इसलिए मिर्चियां जलाई अपने लिए। ये तुझे नजर लगी थी? ओ मर जाए ऐसी भैड़ी नजर। गाजी देख सकते हो, उसको नजर लगी, तू नजर को लग जा यार। अबे भाई, अबे क्या जला दिया, अबे क्या हुआ ब्रो? भाग भाई। भाग भाई। अबे गेट खोलो, गेट खोलो बेटा ये। अबे चाबी तो निकल। कोई बहुत गंद, हसन को बहुत गंदी नजर लगी, कोई मिर्चिया जलाई है। ओए ओए भाई, तो भाई फाइनली नीचे आके सुकून मिला। जेरी अपनी बसंती खड़ी हुई, इस पर जाएंगे, बड़े दिनों बाद निकाल रहा हूँ अपनी बसंती। अबे भाई दोबारा नजर लगे ना, जाके समंदर में गिर जाना। तुम्हारे को ऐसी बुरी और गंदी नजर लगी, कौन सी तो गंदी चीज़ तो नहीं देखता तुम्हें नजर लगी? बच्चियों की नजर लगी। कैसा लगा मेरा मजाक? ओए होए बच्चियों की, माशाल्लाह, ऐसे मुंह पे बच्चियों की नहीं बछड़ों की नजर लगती है बेटा। तो अभी गाइस यार फाइनली चलते हो भाई, बैंड बजी, पूरा घर खांस खांस के मर गया। ये मैं तोरा सिस्टर भाई सब बोले भाई मेला निकल भाई, मैं तो नहीं तो फटक जाऊंगा। तो गाइस फाइनली चलते हैं यार, बहुत देर हो रही है, तो वहाँ पहुँच के चलते हैं और मिलता हूँ, क्योंकि अभी ना मुझे पता नहीं, इतने दिन से बाइक निकाली नहीं यार, पता नहीं फ्यूल होगा भी या नहीं होगा। तो क्या नाचो भाई? खैर पंप तक पहुँच जाए, बाकी तो मैं मैनेज कर ही लूँगा। ये दुख भी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितना है हाँ ना, सही बोल रहा हूँ ना, ये दुख है और ये बर्दाश्त हो रहा है। हाँ तो गाइस ये डलवा लिया पेट्रोल, बीच रास्ते में ख़त्म हो गया था, धक्का लगाता हुआ आया आपका भाई। 2000 years later। हाँ तो भाई ये यूनिवर्सिटी है जिसमें आपका भाई आया है, मतलब मैं आया हूँ। तो अब ये कि यार अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है, लेट्स गो, चलते हैं अब अंदर।
उसमें नाम आ जाएगा। तो अभी मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा? ऑनलाइन सारा, मतलब अभी फिजिकली नहीं होता, बस ऑनलाइन होगा? नहीं नहीं, फिजिकल नहीं, सारा ऑनलाइन है। अच्छा, इसकी फीस पता है वैसे आपको, क्या एडमिशन फीस? कौन से डिपार्टमेंट की? हर डिपार्टमेंट के अलग है ना। एक नॉर्मली अगर डिपार्ट की पूछो तो नॉर्मली मैंने स्टार्टिंग कहा था तू आऊँ ना जून में, मैं अपनी बात अपने डिपार्टमेंट की, पहले 27 थी ना इवनिंग की बता, फिर थी 19,000 मॉर्निंग में, एक में थी मेरे ख्याल से 21 थी, दूसरे में 16 थी। मतलब अभी अगर बढ़ गई हुई कितना इंक्रीज हुआ होगा, 2-4 हज़ार का डिफरेंस है ज्यादा? नहीं नहीं, 10-15 हज़ार का डिफरेंस है। मतलब पहले 25 थी तो अब इस टाइम 40 हो गई होगी? बिल्कुल मजे से 15,000 रुपए, 15 तभी तो धरने दिए सारी तंजीम बंद इकट्ठे होकर, इधर रोड बंद किया था। कब की बात है ये? तो रिसेंटली हुआ है। आप थे धरने में? जी। ले भाई मालिक, यहाँ तो पैसे यार बढ़ गए गाइस, 15,000 रुपए बढ़ गए पर सेमेस्टर पे, मतलब 25 वाला 40 और एक मिसाल 20 वाला जो होगा 35। सही रहन मई करेंगे ना आप, जगह यूनिवर्सिटी के हम आप एडमिन ब्लॉक चले जाए, सही है, सेकंड फ्लोर पे, उससे बात करें आप, अभी बैठे होंगे वो? बैठे हैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई, आपने गाइड किया जला कर। यार बेसिकली मैं ब्लॉग वगैरह शूट करता हूँ तो इसलिए यूट्यूब के लिए, इशू तो नहीं आपको? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। तो गाइज अभी हमें सेकंड फ्लोर जाना है। सेकंड फ्लोर कौन सा डिपार्ट बताया आपने? एडमिन ब्लॉक जाना है यार। अब देखें एडमिन ब्लॉक कहाँ है सेकंड फ्लोर पे, सो लेट्स सी चलते हैं। हाँ तो यार भाई लोग जा रहा हूँ यार गाइस, सीधा सीधा ये धूप चेक करो क्या इस तरफ, ये रहा सामने एडमिन ब्लॉक बना हुआ, ये रहा। अब एडमिन साहब से मिलते हैं, एडमिन साहब क्या बोलते हैं। पहले तो भाई को तुम्हारे देखेगा बोलेगा, अबे इतनी बड़ी डिग्री के साथ, इतने बड़े नंबरों के साथ आ रहा है तू, तो मेरे को बोलेगा आपको ऐसा लगता है इंचार्ज बना देते इधर का। तो इंचार्ज भाई को टेंशन नहीं लेनी भाई, ये तो पुरानी फिल्मों वाली बिल्डिंग है, नहीं आती थी पुराने दौर में उस टाइप का कुछ फीलिंग आ रही। यूनिवर्सिटी अच्छी है, हम जैसे कॉलेज और खाली स्कूल में मर गए, यूनी का मुँह ही नहीं देखा, अब आ रहे। खैर अब कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी का भी मुँह देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। चलते हैं अभी अंदर एडमिन ब्लॉक पूछते हैं। एडमिन ब्लॉक अंदर है, बैठे होंगे एडमिन वाले स्टाफ? सेकंड फ्लोर, थैंक यू। फर्स्ट फ्लोर, चलो यार फर्स्ट फ्लोर कह रहे हैं। अबे भाई हा 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 हा, क्या बना यार, तो फुल स्मैक्स ही है। चलो गाइस पहुंच के फिर यार को मैं दिखाता हूँ भर के माहौल। हाँ तो भाई ये रहा एडमिशन सेल, दफ्तर दाखिला ये रहा, इस तरफ था यार मैं गया था अभी। सारी इन्फॉर्मेशन आपके भाई ने ले ली यार, बेसिकली आप कभी पहले तो कभी यूनिवर्सिटी आया नहीं ना पढ़ा मैंने यूनिवर्सिटी, क्योंकि बीच में फिर मैंने स्टडी छोड़ दी थी, गैप आ गया था काफ़ी, तो अब आया हूँ। उन्होंने बताया भाई पहले जब बीकॉम होता था 2 साल का था, अब 4 साल का हो रहा है और फीसेस भी बढ़ गई हैं, और सेकंड ये कि आप क्लासेस की टाइमिंग भी चेंज हो गई, बढ़ गई आपको मॉर्निंग में ना इवनिंग में। तो खैर यहाँ देखा है, यहाँ अभी एडमिशन में टाइम है, अब जाऊँगा मैं दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वहाँ देखते हैं क्या होते हैं। एक बात यार, पढ़ाई भी थोड़ी मुश्किल है भाई, हमने तो बचपन में स्कूल और कॉलेज हमें लगता था ईजी है, लेकिन भाई भाई पढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो अभी चलते हैं बाहर यार, दूसरी यूनिवर्सिटी जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो लोग बैठे हैं पढ़ने, एक वक्त आएगा आपका भाई भी ऐसे किताबें लेके पढ़ेगा, हालांकि हरकतें तो नहीं है मेरी लेकिन पढ़ लूँगा कोशिश करके। सो लेट्स गो, चलते हैं। 2000 years later। हाँ जी यार, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो भाई ये आया हूँ मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, KU में, मतलब कि कराची यूनिवर्सिटी में आया हूँ। लेकिन भाई यहाँ तो बहुत सारे तंबू टेंट लगे हुए, समझ ही नहीं आ रही ये एडमिशन हो रहा है कोई फेस्टिवल हो रहा है। ब्रो मुझे लग रहा है एडमिशन चल रहे हैं यार, एडमिशन हो रहे हैं, किस तरफ हो रहे हैं? मुझे सामने खड़े हुए हैं। अच्छा तो भाई वो कह रहा सर से मालूम कर लो, तो यार मालूम करते हैं सर से, लेकिन एक बात है बड़ी ख्वारी हो रही है यार, मैं उस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2-3 घंटे रुला हूँ, फिर जाके कोई पता लगा ये वो, आधा एक घंटा तो उन्होंने बताया पूरा गाइड किया, मुझे समझ एक भी चीज़ नहीं आई, यकीन मानो कद्दू भी समझ नहीं आया क्या बोला उन्होंने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, लेकिन बाकी है कि अब देखता हूँ इनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जा रहे हैं अब अंदर, अब इस यूनिवर्सिटी में भी आए हुए 1 घंटा हो गया, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है, सो लेट्स सी क्या होता है। चलो अंदर चल के देखते हैं, और ये बात है देखते हैं वीडियो बनाने देते नहीं कुछ में, तो शश के थे उधर भी ऑफिस में नहीं बनाने दे रहे थे यार, तो मैं कैसे दिखाता तुम लोगों। लेकिन खैर अभी अंदर जाता हूँ देखता हूँ, ये रहा इधर है, चलते हैं लेट्स गो। हाँ तो यार तुम्हारा भाई आ गया भाई, ये देख लो, बाकी एडमिशन ऑफिस उस तरफ था तो एडमिशन ही ऑफिस गया। वालेकुम अस्सलाम, आप वीडियो बना रहे हैं?
बिल्कुल, ये देखें वीडियो बना रहा हूँ। ब्लॉग्स बनाते हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे पास शायद आपकी एक वीडियो आई थी अर्टिकल वाली, वो आप ही थे? उस्मान वाली? हाँ, वो मेरी वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा जी, तो आपने देखी है? जी मैंने देखी। मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं। किस नाम से? तो फिर फायदा क्या आपका वीडियो देखने का? अच्छा खैर, वो मेरा अली अदर व्लॉग्स के नाम से चैनल है, तो मैं बेसिकली वीडियोस वगैरह बनाता हूँ यार। तो आज भी आया, मैं आया हुआ था, पहले दूसरी यूनिवर्सिटी गया था, अभी इस यूनिवर्सिटी आया हूँ। तो आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी। आप यहाँ पे क्यों आए? एडमिशन के लिए आया था यार। आप इसी यूनिवर्सिटी के? जी जी। मैं खैर एडमिशन के लिए आया। आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहे हैं अभी? जी जी, अभी चल रहे हैं, मॉर्निंग के और इवनिंग के दिसंबर में आएंगे, उसके अलावा प्राइवेट के भी डेट्स आएंगे अभी। अच्छा, तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि मुझे बेसिकली इतना पता नहीं है भाई, यूनिवर्सिटी में कभी आए नहीं। कॉलेज और स्कूल वाले बंदे थे हम, फुल कहते ना हाई लेवल के, कुछ तक क्वालिफाइड हम, हाई लेवल के डफर थे। मस्त जोक मारा रे। डफर नहीं मतलब मैं पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, इंटर किया हुआ है। अच्छा। तो ये कि अब इंटर के बाद मैं एडमिशन लूँ, बीच में गैप आ गया था, जॉब वगैरह को साथ कंटिन्यू रखा। प्राइवेट हो जाता है? जी प्राइवेट हो जाता है, अभी डेट नहीं आई उसकी, आ जाएगी कुछ टाइम। प्राइवेट कितने टाइम का? वैसे इन्होंने कहा है जो 4 इयर्स का वो है जिसमें आपको डेली आना है। जी 4 इयर्स में आपको रेगुलर आना होगा, अटेंडेंस का वगैरह सब होगा, लेकिन जो प्राइवेट है वो 2 इयर्स का होगा, उसमें आपकी फीस भी कम होगी और आपने सिर्फ एग्जाम्स देने होंगे वो 2 इयर्स का। ओके अच्छा, हाँ यार ये तो बेहतर है, मतलब 2 साल भी बच जाएंगे, प्राइवेट भी कर लूँगा, पास तो फिर हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके, वो बीच के रास्ते निकाल लेंगे, टेंशन नहीं है, समझ रहे हो ना गाइस। अच्छा बाकी आप इधर ही पढ़ते हैं? जी जी। आप कौन सी फील्ड में? मैं बीबीए कर रही हूँ। बीबीए, वाह यार, अभी मैं सुबह से ख्वार हो रहा हूँ, 6-7 घंटे हो गए, हालत टाइट हो गई, मुझे भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करना है यार, सोच रहा हूँ अभी जाऊँ, अभी मैं बाहर ही जा रहा था तो अचानक से आप मिल गए। अच्छा यहाँ पे तो बहुत अच्छी कैंटीन वगैरह। अच्छा, खाना भी मशहूर है। आपने नहीं इधर के, वैसे सुना जरूर है यार, कभी आया नहीं, बताया तो यूनिवर्सिटी में कभी आया नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ, यहाँ का खाना मशहूर है जी बहुत। तो फिर आप मेरे को करवा दें ब्रेकफास्ट? करा रहे? अरे वाह गाइस, खाना नहीं छोड़ा, वाकई आप करवा रहे? नहीं करवाएंगे आप, सिर्फ नहीं नहीं, इतना अच्छा नहीं हूँ, इस दफा आप करवा दें, नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से ट्रीट। ओके ठीक है, प्यारी समझ गई बन गया। वैसे मैं आपकी तरफ कैमरा मार सकता हूँ? हाँ। अगर इशू नहीं है, अगर इशू है तो इट्स ओके। वैसे फेस नहीं दिखाता, नॉर्मली दिखा देता हूँ, हाँ भाई लड़की है। तो बाकी यार लड़की अभी फर्स्ट टाइम आई है और ये रैंडमली मिली है, तो थैंक यू सो मच गाइस, ये आपके भाई को कुछ खिला रही है, सुबह से ख्वार हो रहा हूँ, 6-7 घंटे हो गए मुझे, तो मैंने बोला कोई मिल गया फिर चलते हैं। ओके यार गाइस बेहतरीन, आ जाओ उधर चल के। हाँ तो भाई आपका भाई यार एटीएम मार रहा है, कैश किधर है? कैश भी दे दें, कैश नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यार कुछ पेमेंट अपने पास भी रख लूँ, क्योंकि बिल हम ही देंगे, वो नहीं देंगे, अच्छा नहीं लगता। वैसे हमने बोल दिया उनको, अगर ज़्यादा फोर्स उसने किया तो फिर उसको देने देंगे, अगर नहीं तो फिर हम खुद ही देंगे, ठीक है। तो आपके भाई ने अभी एटीएम मार दिया, अभी फ़ौरन से चलते हैं बेहतरीन सी कैंटीन, सुना भाई इधर की कैंटीन का बड़ा अच्छा खाना है, तो लेट्स गो चलते हैं। वैसे बोला तो उसने, कोशिश तो नहीं, मैं वैसे दूंगा, सीरियस बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं तफरी कर रहा हूँ, मैं दूंगा, लेकिन अगर उसने ज़्यादा किया तो बोलूँगा ठीक है दे दो दे दो। कैसा लगा मेरा मजाक? समझ लो ना फिर, तो अभी चलते हैं, लेट्स गो जल्दी से। यार मैंने कैब उतार दी, क्या पहन ले? अच्छा ये वाली डील मंगवा ले, जो भी मंगवा आपने ट्रीट देनी है, मंगवा ले। कौन सी डील मंगवा रहे हैं? ड्रिंक्स होंगी इसमें, 5 ड्रिंक्स और पास्ता होगा जी। अच्छा मेरी बात सुने, आप ऐसा करें ऐसा करें, वैसे मैं नहीं, वैसे मैं दे सकता हूँ ना ऑर्डर, दे सकता हूँ ना? ठीक जी, डील के साथ ठीक है। वो मैम कह रही है ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मैंने पे तो मैंने नहीं करना है, ट्रीट मैम की तरफ से। नहीं नहीं फिलहाल तो ये लावा, थैंक यू, ज़्यादा नहीं करना है मैम को फर्स्ट टाइम है। खैर थैंक यू सो मच, सो गाइस अभी फाइनल ही आए कैंटीन में, मैम की तरफ से ट्रीट मिल रही है हमें, तो मैम ने ऑर्डर कर दिया फिर अपने ऑर्डर आया, मैम अभी हंस रही है। बाकी आपने मेरे वीडियोज़ वगैरह देखे, थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, बाकी स्ट्रीट का बहुत शुक्रिया, मेरा आज आपने दिन बना दिया। वैसे मैं बड़ी फुआरी की थी, मैंने वैसे खुद भी करना ही था, मेरा खुद भी माइंड था कि मैं करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और टेस्टी है, तो सो देखते हैं कि अच्छा है या नहीं, जितनी तारीफ की आपने। बाकी गाइस अभी आए हैं, मैम की तरफ से ट्रीट है और भरपूर ऐसी ऐसी चल रहा है, गर्मी में पार हो तो इसी के नीचे बैठ के फुल आनंद आ रहा है, हाँ हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, अभी ऑर्डर का वेट कर। हाँ जी तो फिर आ गया यार, और ये आ गया, तो थैंक यू सो मच भाई मैम, फिर मिलते हैं, क्योंकि मुझे अब लेट भी हो रहा है, घर भी जाना है,
और थैंक यू इनका, थैंक यू सो मच कि इन्होंने मुझे ये अच्छी सी ट्रीट दी। बाकी ऐसे मेरे और मज़ीद ब्लॉग्स देखो और कोई अच्छे अच्छे ऐसे यार लोग मिलो, तो थोड़ा सा खिलाओ यार, तो ज़रा मज़ा आया था लाइफ में। बाकी कैसे वो उतार दी, बहुत गर्मी लग रही थी यार, सो लेट्स गो, अभी जल्दी से खाते हैं, जल्दी से फोड़ता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। हाँ तो हाँ जी, आ गए फाइनली घर। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली घर आ गए यार। यार लिटरली आज सही वाली बैंड बजी है, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किए, क्योंकि मोस्टली वैसे बस मेरी ऑफ होती है, व्लॉग बनाता हूँ और कुछ नहीं, या थोड़े बहुत काम कर लेता हूँ। लेकिन भाई यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं, तो इस दफ़ा गए तो पता लगा यार, एक एक सेक्शन ढूंढने के लिए, जैसे हम पहली यूनिवर्सिटी गए थे तो सेकंड फ्लोर पर जाना पड़ा, अब सेकंड फ्लोर चार बिल्डिंग्स छोड़ के था, तो पैदल चलने में वाट लग गई। खैर वीडियो तो मैंने छोटे छोटे क्लिप किए हैं, तो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत थी और मैं ज़्यादा देर वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत गर्मी थी, लेकिन आपको ऐसे नहीं पता लगेगा, मैंने लिटरली क्यों फट के हाथ में आ गई। 3 घंटे उस यूनिवर्सिटी में जो पहले वाली में गए थे हम, देन फिर 3 से 4 घंटे दूसरी कराची यूनिवर्सिटी में, तो यार बहुत थक गया उस टाइम। लेकिन थैंक यू सो मच यार, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, और मुझे यार लिटरली बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कैप को उतार देता हूँ, सॉरी यार हालत टाइट हो गई, बालों की हालत देख सकते हो क्या हो रहा है। सो यार लिटरली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने देख के मुझे पहचान लिया, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। सो थैंक यू सो मच जो लोग यार मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे भाई जो बहनें मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच यार, बिग लव, ऐसे ही यार प्यार सपोर्ट करो। लेकिन भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सिर्फ एक उस्मान वाली वीडियो तुम लोगों ने सपोर्ट दिया, प्यार दिखाया, ऐसी भाई की हर वीडियो भी दिखाओ, भाई की हर वीडियो वायरल करो ताकि मजीद ज़्यादा लोग पहचाने और ज़्यादा लोग ट्रीट दें। और हाँ ट्रीट से याद आया यार, आपके भाई ने बिल दिया, डोंट वरी, उन्होंने दिया, आपके भाई ने बिल दिया, क्योंकि वो मेरे पास आए थे और वो उन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो उनका थैंक यू सो मच। बाकी उन्होंने कहा जरूर था बिल आपके भाई ने दिया, डोंट वरी, इसलिए मैंने एटीएम मार लिया था। बाकी थैंक यू सो मच, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कोशिश की वो वीडियो में है, लेकिन वो आई थिंक सो कंफर्टेबल नहीं था, इट्स ओके। उन्होंने बट ये ज़रूर कहा हाँ अगर इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी, तो मैं इट्स ओके, ज़रूर वेलकम। ऐसे यार आप लोग मेरी टीम हो, मेरी फैमिली हो, तो आपको बिग लव है, थैंक यू सो मच सब लोग, मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो यार मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, लड़के लड़कियों सब यार प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।